एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ और लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ मुझे वहाँ से फॉलो करें। आज हम स्टडी करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और हमारा पेपर है आज का जून 2012 का पेपर नंबर सेकेंड और ये इसका पार्ट थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो अप्रोक्सीमेटली कितने आइटम्स को होल्ड कर सकती है जो कि अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन से होते हैं। तो हमने स्टडी किया है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको, उसमें जो कैपेसिटी होती है उसको बताया है मिलर ने, और उन्होंने दिए थे मैजिकल नंबर 7 ± 2। सो 7 ± 2 को जब हम करते हैं, जब 7 में हम +2 करते हैं तो हमारे आइटम आते हैं 9, और जब 7 में से -2 करते हैं तो आइटम हमारे आते हैं 5। यानी कि जो हमारी एसटीएम है वो 5 to 9 आइटम्स को होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि जो फियर है वो नीचे दी गई जो लर्निंग के टाइप्स हैं उनमें से किसके थ्रू हम सीख सकते हैं। तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में, मैंने जब आपको लेसन कराया है क्लासिकल कंडीशनिंग का, तो उसमें मैंने आपको बताया था वाटसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि उन्होंने अल्बर्ट नाम के बच्चे के ऊपर किया था, एक वाइट रेट से उसको डरना सिखाया था। तो आपने देखा है कि इस तरह का जो फोबिया है उसको हम सीख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। सो जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है वो हमें फियर को अच्छी तरह से सीखने में भी और कम करने में भी एक्सप्लेन करती है। सो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ इमोशन की थ्योरीज़ को दिया गया है और उन्हें सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला गया है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो दी थी डार्विन ने। फर्स्ट नंबर पर किसने दी थी? डार्विन ने। डार्विन के बाद दी थी जेम्स लांजे ने, और उसके बाद कैनन वार्ड ने, और नेक्स्ट में दी थी स्केटर एंड सिंगर ने। सो हमारा ये इस तरह से हमारा जो कोड बनते हैं वो बनते हैं 4 1 2 3। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में पूछा गया है कि ड्राइव के बारे में क्या सही है। तो सबसे पहले आप ड्राइव को जान लीजिए कि वो क्या होते हैं। ड्राइव होती है हमारी इंटरनल स्टेट जो कि हमें किसी भी व्यवहार के लिए मोटिवेट करती है और हम उस व्यवहार को करते हैं। तो फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही आ गया है कि ये एक इंटरनल स्टेट होती है। क्योंकि ये इंटरनल स्टेट होती है इसलिए ये एक्सटर्नल स्टिमुलस से तो गाइड हो नहीं सकती है। सो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो खुद ही रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है कि ये अराउज होती है टेंशन के द्वारा, तो ये भी हमारा सही है, और ये नीड की को अंडरलाइन करती है, तो ये भी सही है। और वैसे भी अगर आप ये देखेंगे कि आपने एक कॉम्बिनेशन को देख लिया है कि उसमें से कौन नहीं है, इंटरनल है तो एक्सटर्नल वाला नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन इसमें से कट होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बचता है जिसमें कि 4 ऑप्शन नहीं है, वो है हमारा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में पूछा गया है कि जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है वो मेनली हमारे लोब ऑफ कॉर्टेक्स में से कौन सी लोब से डोमिनेट होती है। तो आप ये समझिए कि जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है वो किसके अंदर आएगा? जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनके अंदर आएगा। लेकिन आंसर को फाइंड आउट हम करते भी चलेंगे, और ये जो हमारी 4 लोब्स दी गई हैं हम साथ साथ इनके फंक्शंस को भी देखते चलेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शन करती हैं। फर्स्ट हमारी दी गई है ओसिपिटल लोब, जो कि हमारे फोरहेड के पीछे होती है, बिल्कुल हमारे बैक में, हिंड ब्रेन में। यानी कि ये हमारी होती है विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर के लिए। तो जहाँ भी विजन की बात आती है तो आप ओसिपिटल को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो हमारी होती है वो हमारे फोरहेड पे होती है, और इसको हम डोमिनेट लोब भी बोलते हैं, या इसको हम सबसे बड़ी लोब भी बोलते हैं। और जो ये हमारी लोब होती है वो करती है हमारे कॉग्निटिव स्किल्स जो ह्यूमन में होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है, और इसको हम कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं। तो कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आपका क्या क्या आता है? मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, लैंग्वेज वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह। सो इसमें भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के बारे में ही पूछा गया है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो है फ्रंटल लोब।
नेक्स्ट है हमारी पेराइटल लोब। पेराइटल लोब होती है हमारे कान के थोड़े ऊपर से जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम पेराइटल लोब बोलते हैं। और ये हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन और टच के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है, और इसी के थ्रू ये फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जिसको कि हम कर्णपट्टी भी बोल सकते हैं, ये हमारे कान के पीछे जो अंदर की तरफ लोब होती हैं हमारे ब्रेन में, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ये ऑडिटोरी, विजल, लैंग्वेज रिकॉग्निशन और न्यू मेमोरीज़ के लिए जानी जाती हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे टेम्पोरल लोब भी जो होती है वो भी विजन में सहायक होती है, और ये लैंग्वेज का रिकॉग्नाइजेशन करती है, और जो लैंग्वेज का प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारे फ्रंटल लोब में, जिसको कि ब्रोका एरिया बोला जाता है। ब्रोको एरिया के थ्रू लैंग्वेज का प्रोडक्शन होता है जो फ्रंटल लोब में होता है, और टेम्पोरल लोब में होता है हमारा वर्निक एरिया जो कि लैंग्वेज का रिकॉग्नाइजेशन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि एक नर्व सेल जो होती है वो रेस्पॉन्स करती है वर्टिकल लाइन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में ये रेस्पॉन्स नहीं करती है। सो जो हमारे UGC की आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है फीचर डिटेक्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि जो हमारा विजुअल सिग्नल्स होता है हर रेटिना के अंदर, वो सेटरेट कॉर्टेक्स में किसके थ्रू जाता है। तो पहले हम इनको देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जो कि थैलेमस का एक न्यूक्लियस होता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है विजुअल के लिए। और क्योंकि इन्होंने सेटरेट न्यूक्ली में कॉर्टेक्स में जाने की बात कही है, तो इनमें से जो हमारा लेटरल जेनिकुलेट कॉर्टेक्स है वही विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 3 को भी हम जान लेते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन होता है। सेकेंड है हमारा मेडिकल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ये भी थैलेमस का ही एक न्यूक्लाई है, और ये ऑडिटोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है इन्फेरो टेम्पोरल कॉर्टेक्स, जो कि न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये टेम्पोरल कॉर्टेक्स का अगला ही वाला हिस्सा होता है। नेक्स्ट होता है पोस्टीरियर पार्टल पेराइटल कॉर्टेक्स, ये पेराइटल कॉर्टेक्स का पीछे वाला हिस्सा होता है, जो कि प्लान मूवमेंट्स के लिए, स्पाइटल रीजनिंग के लिए और अटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है इन 4th गिवन ऑप्शंस में से किस किस में इन्वॉल्व होती है। तो आपको पता ही है कि बेंडुरा ने 4 ऑब्जर्वेशन लर्निंग के 4 प्रोसेस के टाइप बताए हैं। वो बताए उन्होंने अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन और रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो फर्स्ट है हमारा अटेंशन रिटेंशन, तो ये हमारा आंसर इस कोड में से हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड है हमारा अटेंशन ऑन रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट के बारे में बेंडुरे ने नहीं बताया है, सो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मोटिवेशन, और इसको भी बेंडुरा ने बताया है, तो ये भी हमारा आंसर है। उसके बाद आता है रिइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। इसमें से मोटिवेशन तो हमारा आंसर है, बट रिइंफोर्समेंट को बेंडुरा ने नहीं बताया है, तो हमारा आंसर जो है वो है 1 और 3 में, और ये कॉम्बिनेशन बनता है ए के अंदर, इसलिए जो ए है वही हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जब आई विटनेस टेस्टिमनी की बात आती है तो उसकी एक्यूरेसी को क्या चीज़ रिड्यूस करती है। आप सबसे पहले आप जान लीजिए कि आई विटनेस टेस्टिमनी को दिया किसने था। इसको दिया था एलिजाबेथ लॉफ्टस ने, जो कि एक लेडी साइकोलॉजिस्ट थी। और आई विटनेस जो टेस्टिमनी होती है वो हमारी मेमोरी होती है, कि अगर कोई क्राइम हो जाता है और हम उसको देखते हैं और कोर्ट में या पुलिस हमसे उसके बारे में इंक्वायरी करती है, तो जो हमारी उस टाइम पर मेमोरी होती है उसको बोला जाता है आई विटनेस टेस्टिमनी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी क्राइम के लिए किसी गवाह की मेमोरी को हम आई विटनेस टेस्टिमनी कहते हैं। और आई विटनेस के बारे में ये बोला जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तरह की मेमोरी होती है, और ये बहुत जल्दी इसके अंदर विसंगति आ जाती है। तो इसमें कुछ विसंगति के कारण है, तो हम उनको पहचानते हैं कि वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कि सजेस्टेबिलिटी। अगर कहीं कोई क्राइम होता है और हमें कोई सजेशन मिलता है, ये इस चीज़ को लॉफ्टस ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में बता दिया था कि जो आई विटनेस टेस्टिमनी है उसमें सजेस्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारा सोर्स मॉनिटरिंग एरर्स। सोर्स मॉनिटरिंग एरर्स यानी कि जो सोर्स है
जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलनी है उनको मॉनिटर करने में भी अगर एरर आ जाती है तो इससे भी हमारी आई विटनेस टेस्टिमनी इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ये होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को लर्न किया है और हम दूसरी चीज़ को लर्न करना चाहते हैं तो वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, यानी कि हमें याद करने में उनमें दिक्कत आएगी या उनको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो टेस्टिमनी में तो हम किसी सब्जेक्ट को या थिंग को लर्न नहीं करते, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है डिके ऑफ मेमोरी ट्रेसेस। डिके ऑफ मेमोरी ट्रेसेस होता है कि हमने कोई चीज़ लर्न की है और जो हमारे ब्रेन में उसके ट्रेस बने हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने कोई चीज़ लर्न नहीं की है बल्कि हम इस चीज़ को देखते हैं या किसी से सुनते हैं किसी क्राइम के बारे में, सो ये भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आता है इल्यूजन ऑफ आउट ग्रुप होमोजेनिटी। आउट ग्रुप हमें आई विटनेस टेस्टिमनी के रोल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये भी हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर बनता है 1, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से, जो कि हमें सी के अंदर देखने को मिलता है, सो सी ही हमारा इसमें आंसर है। सो थैंक यू एवरीवन, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।